गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपने क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ के विषय में देखेंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, इन सब की इन्फॉर्मेशन आप क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक आप पढ़ते हुए चले आएँ। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रहा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज नहीं होता, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन वही है। लेकिन इसमें कुछ नए तरीके से इसमें देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या कैसे रहा, चेंज तो कुछ नहीं होगा, वही होगा, लेकिन सारी बातें अब आपकी यहाँ पे रिकॉल होंगी। तो जैसा कि हमारा पहला तो व्हाई एंड हाउ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या आवश्यकता हमें पड़ती क्यों है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हमारा पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आप क्या कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के इज अ बुक, क्या होती है, एक बुक होती है, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिटन देयर, जिसमें क्या होती है, सारे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दिए गए हैं, और विच अकॉर्डिंग अ कंट्री इज गवर्न, और जिसके अकॉर्डिंग क्या है, एक कंट्री गवर्न करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन बुक, ऑन देयर ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिटन देयर, विच अकॉर्डिंग अ कंट्री इज गवर्न, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, एक कंट्री को गवर्न किया जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक है जिसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन यह कहलाता है। तो इसके जो कुछ फीचर्स हैं, जैसे फीचर्स कौन कौन से होते हैं, फीचर्स तो बहुत से आते हैं, तो इसमें से कुछ अलग से जो बातें लिखी गई हैं, जो पहला हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है तो कौन सा है, अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, जो हमारा पहला फीचर इसमें दिया गया है। अलाउ कोऑर्डिनेशन मीन्स क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, हमें कह के एश्योरेंस देता है, कैसा कोऑर्डिनेशन बना करके चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं, तो ये कैसे देखते हैं अभी, जैसे आप ही की क्लास में बहुत से बच्चे पढ़ते होंगे, कई रिलीजन से निकल कर आते हैं, कई सोशल बैकग्राउंड से निकल के आते हैं, लेकिन इन सब का जितना भी हम लोग देखते हैं, तो क्या जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, तो क्या किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनाए जाते हैं, कि वो जनरल है, वो OBC है, वो SC है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, नहीं, ऐसे रूल्स नहीं बनाए जाते। तो उसी तरह हम क्लास में जब टीचर आता है पढ़ाने, तो किसी बच्चे को देख करके नहीं पढ़ाता कि यानी कि कौन किस कैटेगरी का है, किस कास्ट का है, किस बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, वो क्या पढ़ाता है, सबको इक्वली ट्रीट करता है। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात को बिल्कुल निश्चित किया गया है, यानी कि एश्योरेंस दी गई है कि जितनी भी हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी अदर रिलीजन्स हैं, SC ST OBC, वो सब क्या करेंगे, इक्वल हैं, उन सबको का उनके साथ में कोऑर्डिनेशन बना करके चला जाएगा, उनको श्योरिटी दी जाएगी कि दैट यू आर लिव इन इंडिया, दैट यू आर फ्री, मीन्स इन सबको एश्योरेंस दिया गया है, श्योरिटी दी गई है कि उनके साथ में कोऑर्डिनेशन बना करके चला गया है। किसी को ये नहीं कहा गया है कि अपर कास्ट का है तो उसको कुछ ज़्यादा इंजॉय पावर को इंजॉय करेगा, ऐसा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। तो हमारा पहला फीचर्स ये था। अब जो दूसरा फीचर्स स्टार्ट होता है हमारा, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। अब स्पेसिफिकेशन क्या है, हमने आपने कई प्रकार के गवर्नमेंट के विषय में सुना होगा, मोनार्की के विषय में भी आपने सुना होगा, मोनार्की मोनार्की में रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है, जैसे मोनार्की में किंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, आपने डिक्टेटरशिप में देखा होगा इसमें कौन बनाता है, एक स्पेसिफिक पर्सन बनाता है। लेकिन जो तीसरा होता है वो क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, जैसे इंडिया इज ए डेमोक्रेसी कंट्री, तो यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है, स्पेसिफिक पर्सन तो यहाँ पर बनाता नहीं है कि कोई एक व्यक्ति रूल से बनाता होता है। डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं हु मेक द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो क्या बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, और ये कैसे होते हैं, हमारे द्वारा चुन करके आते हैं। हाँ, ये कुछ कह सकते हैं कि कुछ ग्रीक में ऐसी कंट्रियाँ थी जो क्या करती थी, सिर्फ वहाँ पर लोग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे, बनाते तो लोग डेमोक्रेसी में ही है, लेकिन वो क्या होते हैं, हमारे द्वारा इलेक्टेड होते हैं, हमारे द्वारा सेलेक्टेड पर्सन होते हैं, जो क्या करते हैं, वो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, और हम क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और वो कहाँ पर बैठ कर काम करते हैं, वो ये सब पार्लियामेंट में बैठ कर काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठ कर काम करते हैं। तो ये हमारा क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। तो क्योंकि इनको पावर किसने दिया है बनाने के रूल्स एंड रेगुलेशन, वो हम ही लोगों ने दिया है। तो ये क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, तो यही क्या करते हैं, जो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, जिनको हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करते हैं। और ये रूल्स रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं, किसी कैटेगरी को देख करके, किसी कास्ट को देख करके नहीं बनाए जाते, ये क्या बनाए जाते हैं, सबके लिए बनाए जाते हैं। अगर सपोज करिए, अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा बन भी जाता है, क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि आखिर गवर्नमेंट ने बना दिया तो क्या होगा, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसे रूल, जैसे जो नीचे पॉइंट, जो अगला पॉइंट आने वाला है इसके विषय में देखेंगे, लिमिटेशन ऑफ पावर्स ऑन गवर्नमेंट, जो तीसरा पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है वो क्या है, लिमिटेशन ऑफ पावर्स ऑन गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट लिमिटेशन कौन कौन से लगाती है? अभी तक हमने क्या कि स्पेसिफिक पावर दे दी है हम लोगों ने गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट को कौन कौन सी लिमिटेशन कौन कौन सी इसे बंदिशें लगा दी जाती हैं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा ना कर सके? तो गवर्नमेंट पे बहुत सी पाबंदियाँ भी लगाई जाती हैं। गवर्नमेंट के लिए क्या, गवर्नमेंट भी ऐसे फ्री नहीं है कि वो जो चाहे ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना ले, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोगों ने जब इसके पहले जब इमरजेंसी लगी थी भारत में, तो क्या था, इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, अपने अकॉर्डिंग चलाया। तो तब से देख करके थी, यहाँ पर क्या किया गया, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए हैं कि क्या कोई भी गवर्नमेंट उसका वायलेशन नहीं कर सकती है, कोई भी ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं बना सकता है। तो गवर्नमेंट पे क्या है, इसी तरह डिसीजन मेकिंग में तो था, अगर गवर्नमेंट के पावर होता है कि वो क्या करती, जो भी चाहती वो रूल्स रेगुलेशन बनाती, तो क्या कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाह लेती क्या कि वो कभी अपने लिए इलेक्शन ही ना होती? जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा घाना के विषय में, घाना और इंडिया उस समय क्या था, एक साथ ही स्टार्ट हुए थे, एक ही यानी कि समय आज़ाद हुए थे, फ्रीडम उनको मिली थी। लेकिन दोनों ने किसको अडॉप्ट किया, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। लेकिन भारत की डेमोक्रेसी जब से आज़ाद हुई तब से क्या है, आज तक चली आ रही है। लेकिन घाना की जो डेमोक्रेसी थी वो क्या हो गई, फेल हो गई, क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट बने उन्होंने क्या कर दिया कि मेरे लिए इलेक्शन नहीं होंगे और बाकी सबके लिए इलेक्शन होंगे, तो उनकी डेमोक्रेसी क्या हो गई, फेल हो गई। लेकिन भारत की डेमोक्रेसी क्या है, आज तक चली आ रही है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेशन को बना करके रखा, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर ये भी इनको हमने अपने आप को अच्छी तरह से बना करके रखा। और जो लिमिटेशन लगाई गई गवर्नमेंट की वो भी यहाँ पर है। अगर लिमिटेशन क्या, सपोज करिए कोई गवर्नमेंट अगर बना भी देती है ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो किसी के राइट का वायलेशन करता है, तो क्या होगा इससे, तो आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपके पास में आर्टिकल नंबर 32 है, आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि ये विच द रूल्स एंड रेगुलेशन आर मेड बाई द गवर्नमेंट इट हैड टू वायलेटेड अवर राइट्स। अगर आप इसके तहत क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बनाया है, दीज राइट्स आर वायलेटेड अवर राइट, तो क्या कर सकते हैं, दीज रूल्स एंड रेगुलेशन आर वायलेटेड अवर राइट, तो इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नहीं सुप्रीम कोर्ट जाना आपको, तो 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल नंबर 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये आपको पावर दिया गया है। अभी आपको लग रहा होगा कि आर्टिकल क्या है, अभी आगे आने वाले चैप्टर में समझाएंगे कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। अब क्या, अगला जो हमारा स्टार्ट होता है वो एस्पिरेशन ऑफ गोल ऑफ सोसाइटी, आप गोल्स ऑफ सोसाइटी, यहाँ पर क्या है, एस्पिरेशंस ऑफ गोल्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि इसमें सोसाइटी के लिए लिखा गया है कि सोसाइटी को प्रभावित किया गया है कैसे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बहुत ही डिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर क्या हर एक चीज़ लिख दी गई है, जितना भी व्यक्ति हो क्या कर सकता है, अपने आप को डेवलप कर सकता है, किसी पे कोई भी पाबंदी नहीं है कि उसे कुछ भी कहीं पर उसको उसके राइट का वायलेशन किया जाएगा, कुछ भी उसको रोका जाएगा, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी प्रकार के गोल्स बना सकता है, किसी भी जॉब को हासिल कर सकता है, किसी पे पाबंदी नहीं लगाई गई है। तो क्या सोसाइटी में क्या सबको मिलजुल कर रहने के लिए सब कुछ लिखा गया है, कोई स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे कि वो जाकर के किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए एरिया डिसाइड हो, वहाँ पर क्या है सब कोई अपनी जगह रह सकता है, सब कुछ को फिक्स होता है। तो यहाँ पर क्या है हमारे लिए एस्पिरेशन ऑफ गोल्स ऑफ सोसाइटी दिए गए हैं। फिर यहाँ पर क्या आता है नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक आता है क्या, और जो एस्पिरेशन ऑफ गोल्स ऑफ सोसाइटी के विषय में जो बात की गई, इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टार्ट होते हैं कहाँ पर, इनका डिस्क्रिप्शन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल का डिस्क्रिप्शन किया गया है। जो आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होते हैं, 36 से लेकर 51 तक, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 36 से लेकर 51 तक हमारे क्या स्टार्ट होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टार्ट होते हैं। और इसके पहले पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट का डिस्क्रिप्शन कहाँ से कहाँ तक किया गया है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक, किसका डिस्क्रिप्शन है, फंडामेंटल राइट का डिस्क्रिप्शन है। अभी आपको लग रहे हैं कि फंडामेंटल राइट क्या है, लेकिन बहुत ही आसानी से सारे राइट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ये सब ये एक एक चैप्टर वाइज आएंगे अभी हमारे। तो ये एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी दी गई है, तो इनके जो डायरेक्ट जो एस्पिरेशन ऑफ गोल्स ऑफ सोसाइटी के लिए बात कही गई है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कही गई है, जो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक डिस्क्रिप्शन किया गया है। फिर जो हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, आइडेंटिटी 2 प्रकार की होती है, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है, एक मॉरल आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी दी गई है। जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है तो इसमें से क्या आप कह सकते हैं कि मैं कहाँ को यूपी का रहने वाला हूँ, एमपी का रहने वाला हूँ, और
इंडिया का रहने वाला हूँ। आप किस तरह कह सकते हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटी को शो कर सकते हैं, मॉरल आइडेंटिटी क्या है आप ये बता सकते हैं, आप हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख, ईसाई, आप ये क्या मोरालिटी यानी कि अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सिटीजनशिप की बात की गई है, इन दोनों को क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट किया गया है। हमारे यहाँ जो सिटीजनशिप दिया जाता है, इन सब के बेस पर नहीं दिया जाता है। तो ये आपकी क्या हो गई, वो फंडामेंटल आइडेंटिटी हो गई। हम सिर्फ क्या है, इंडियन है, हमारे इंडिया बेस पे किया जाता है, इस तरह देखा जाता है। फिर अथॉरिटी आप फिर आगे देखते हैं, जो हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे कौन कौन सी अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, अब इसमें ये देखेंगे। जैसे मोड ऑफ द प्रोमलगेशन आता है, मोड ऑफ प्रोमलगेशन मीन्स क्या है, इसको समझें। अगर प्रोमलगेशन प्रोमलगेशन मीन्स क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी रही होंगी जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, किसकी अथॉरिटी दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बन गया, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोमलगेशन कहलाता है। जो हमारा इसी में सब हेडिंग्स इसकी स्टार्ट होती है, जो सब हेडिंग है हमारी वो क्या है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू बींग, एग्जिस्टेंस कह सकते हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, तो स्टार्टिंग में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, किसकी अथॉरिटी दी गई थी, इन सब के विषय में देखना है। तो पहले हम देखते हैं अथॉरिटी के विषय में कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी किसने दी। जैसे कि अथॉरिटी दो प्रकार से दी जाती है, अथॉरिटी एक क्या होता है, रेफरेंडम होता है, एक होता है अथॉरिटी होता है। अथॉरिटी क्या, जैसे हमारे यहाँ अथॉरिटी किसको दिया गया था, हमारे यहाँ तो जितने भी नेशनल लीडर थे उस समय, जितने भी कह सकते स्कॉलर पर्सन थे, उन सब ने क्या की थी, एक कमेटी बना करके, और उन्होंने क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्थापना की थी, उन्होंने खुद अपना मिल करके बनाया था। तो ये अथॉरिटी हो गई। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो एक अथॉरिटी के तहत बना। फिर जो रेफरेंडम होता है, ये क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में रेफरेंडम की बात की गई है, जब आपने पोलैंड में पढ़ा होगा, चाइल्ड में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर क्या था, रेफरेंडम की बात की जाती है। रेफरेंडम क्या है, वोटिंग सिस्टम होता है, पब्लिक क्या करती है, पब्लिक इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, एक इसमें बहुमत कराया जाता है, इसमें वोटिंग होती है, और जिसके तहत ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन आर मेड बाई द पीपल, उसमें इसके द्वारा बनाया जाता है। अथॉरिटी जैसे आपके समझ में आ गया, रेफरेंडम हो गया, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा था, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज, कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था बनने में। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1946 में इसकी स्थापना की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, और बनकर कब तैयार हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, 1949 को बन करके तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 ईयर 11 मंथ और 18 दिन का समय लगता है। तो हमारा क्या हो गया, ये इतना हमारे समय लगा। अब हम देखते हैं जो हमारी सेकेंड हेडिंग आती है वो क्या है, तो इस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, बन करके रेडी हुआ और निकल के आया, ये सब चीज़ें थी। अब देखते हैं सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सब्सटेंसिव प्रोविजन क्या है, आप सब्सटेंसिव की जगह लिख सकते हैं प्ली, क्या लिख सकते हैं, प्ली। तो प्ली मीन्स क्या होता है, दलील, कौन कौन सी ऐसी दलीलें दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या, सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा गया। तो सर हमारा जो सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें किसकी बात करता है, वो इक्वलिटी की बात करता है, और किसकी बात करता है, फ्रीडम की बात करता है। इक्वलिटी कैसे, जैसे कि मैंने ही पहले ही बताया, जितनी फंडामेंटल राइट है, हमारा जो पहला फंडामेंटल राइट है वो क्या है, राइट टू इक्वलिटी, यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। इक्वलिटी की बात की जाती है, राइट टू फ्रीडम आता है 19 से लेकर 22 तक, किसकी बात की गई, आर्टिकल नंबर, ये फ्रीडम की बात की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कहलाती हैं इक्वलिटी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, कोई भी कास्ट का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मे बी द ओबीसी आर SC, ऑल द पीपल्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, जितने भी रूल्स, जितने भी लोग होंगे, सब क्या है, इक्वल है हमारे देश में, किसकी नज़र में, कानून की नज़र में, उनके साथ में किसी भी तरह के डिफरेंसेस नहीं हो सकते, ऑन द बेसिस ऑफ द बैकग्राउंड, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, इनके विषय में क्या है, किसी भी तरह से हमारे यहाँ डिफरेंसेस नहीं हो सकते, सभी क्या है, इक्वल हैं, और सभी को क्या है, इक्वलिटी दी गई है। इसी तरह हमारी फ्रीडम की बात आती है, जैसे कि अगर बात की जाए चाइना वगैरह की, तो चाइना क्या, वहाँ डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो वहाँ पर क्या है, लोगों को इस तरह फ्रीडम नहीं दिया गया है, जिस तरह फ्रीडम किसको दिया गया है, भारतीयों को दिया गया है। तो हमारे देश में क्या है, फ्रीडम की बात की गई, तो फ्रीडम, तो हम भारत यहाँ क्या कहते हैं, आप भारत भी एक ऐसा देश है जहाँ पर क्या, हम प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को क्रिटिसाइज करते हैं, यहाँ पर इस तरह की सुविधाएं दे दी गई हैं कि आप किसी के खिलाफ भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, आप वहाँ किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ में नहीं बोल सकते, वहाँ पर कुछ ऐसे ही दिया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पर ऐसे बनाए जाते हैं कि आप ऐसा भी कुछ भी नहीं कर सकते। अब अपने नेक्स्ट हेडिंग पर देखेंगे,